हेलो इंजीनियर्स, सो आप सभी का क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग फिर हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं गेम्स ऑफ इंजीनियर्स में। गेम ऑफ थ्रोन्स सुना था, गेम्स ऑफ इंजीनियर्स चल रहा है, सही है। तो चले वी विल स्टार्ट। देखिए चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है ना। चैप्टर का नाम क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जो बोरिंग तो हैं लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन बनाने से फायदा ये होगा कि आपको वो चैप्टर बोरिंग नहीं लगेंगे। देखिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा चाहे या ना चाहे। हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आते हैं। तो हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपको बता दें। ज़्यादा स्टोन एज और पेलियोलिथिक नियोलिथिक में नहीं जाएंगे। एक तो आपको साइट्स थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जो 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 साइट्स बने हैं पेलियोलिथिक के नियोलिथिक के, जैसे कि चिरांद बड़ा न्यूज़ में है, चिरांद। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UPAE का अगर आप पिछले बार का पेपर उठा के देखेगा तो चिरांद लेक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चिरांद लेक जो कि अभी के बिहार में पड़ेगा, ये नियोलिथिक साइट है। एक टॉपिक ये हो गया। फिर आपको थोड़ा बहुत हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऋग्वेद पता होना चाहिए। उसके बाद मेडाइवल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पता होना चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न में जो सबसे पहला टॉपिक है, अब मॉडर्न को हम थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से मतलब एकदम सीक्वेंस में चलाना चाहते हैं। तो मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सबसे पहले कौन यूरोपियन आए थे, क्या ये कोई हमको बता सकता है क्लास में आज, कि सबसे पहले यूरोपीय देश में कौन से यूरोपियन जो हैं वो आए थे? कोई ये बताएगा? जैसे कि पहले पोर्तुगीज आए थे, या फ्रेंच आए थे, या डच आए थे, या इंग्लैंड आए थे। ये इसमें से सबसे पहले जो हैं कौन से यूरोपियन हमारे देश में प्रवेश किए थे, ये कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर किसी का फेवरेट प्लेयर है तो उसको पता होना चाहिए कि वो पोर्तुगल से खेलता है ना। हाँ जी राम जी और अरविंद, सबको बहुत बहुत स्वागत है। पोर्तुगाली सबसे पहले आए थे, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद डच के लोग आए थे। डच माने की, डच माने डेनमार्क नहीं, डच माने नीदरलैंड, ठीक है। तो जब आप डैनिश बोलेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा डेनमार्क, जो कि आखिरी में आए थे उसको नहीं पढ़ना है। और जब हम डच बोलेंगे DUTCH, तो आप समझ जाएंगे कि नीदरलैंड के लोग आए थे। लेकिन नीदरलैंड के लोग बोले कि यार पोर्तुगीज से कौन लड़ने जाएगा, जो कि भारत पे पूरा एकदम कब्जा बना के रखा हुआ है, हमको तो मसाला से मतलब है, तो क्यों ना हम इंडोनेशिया चले जाए, वहां पे भी मसाला अच्छा मिल रहा है। उसके बाद इंग्लैंड के लोग आए थे, और सबसे आखिरी में आए थे फ्रेंच, याद रखिएगा। और पोर्तुगीज में सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले आए थे और गोवा को 1961 में खाली करने वाले सबसे आखिरी भी जो है पोर्तुगीज ही थे, क्लियर है। और इसको बोलते थे सियार, मतलब कि समुद्र का सियार, ठीक है। तो पोर्तुगीज के लोगों को समुद्र का सियार बोलते थे, बड़ा ये लोग तेज थे। उसके बाद धीरे धीरे डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच आए। तो आज हम लोग ना थोड़ा 20 सेकंड का टाइम देंगे आपको, और 20 सेकंड में आपको आंसर बताना है, यानी कि आज का क्लास जो है वो टाइमर के साथ चलेगा। लेकिन पहले हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। 1498 में सबसे पहले पोर्तुगल के वास्को डिगामा आए। कहाँ आए? कैलीकट में आए। इनका स्वागत कौन किया? जैमोडीन किया। जैमोडीन बोलिए अंग्रेजी में, या जमोडीन बोलिए जो भी है। हाँ, धोखाधड़ी बहुत करते थे, सही बात है। तो सबसे पहले कहाँ आए? कोचिन में आए, ठीक है। उसके बाद एल्बुकर्ड आए। एल्बुकर्ड कब तक थे? जब तक गोवा, एल्बुकर्ड मर तो गए लेकिन जब तक गोवा आजाद नहीं हुआ 1961 में, तब तक पोर्तुगीज जो है वो यहीं पे थे। दमन एंड दीव को ये कब्जा किए। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पोर्तुगीज लाए। शिप बिल्डिंग पूछता है तंबाकू, ठीक है, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, तंबाकू टबैको जो है वो पोर्तुगीज लेके आए थे। इतना हो गया आपका पोर्तुगीज के बारे में। फिर आप देखिए डच, डच माने कि यहाँ पे देखिए नीदरलैंड, लेकिन इन लोग इंटरेस्टेड थे यहाँ जाने के लिए। अब यहाँ का मैप हम क्यों डालें आपको? गोवा पोर्तुगीज के अंदर था, दीव दमन सब पोर्तुगीज के अंदर था। अब ये लोग जो है इंडोनेशिया चले गए। कौन? डच चले गए, नीदरलैंड के लोग। मसूली पटना में एक बनाए थे अपना छोटा सा आशियाना, लेकिन फिर जनरली ये सब चले गए। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। एंग्लो डच यानी कि अंग्रेज लोग के साथ जो डच लड़े, वो लड़े आपका बेदाड़ा के लड़ाई में।
तो कौन से लड़ाई में बेदाड़ा का लड़ाई पूछा जाता है, किस दो के बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। फिर आया आपका इंग्लिश, देखिए इंग्लिश पूरा सब पे कैप्चर कर लिया था। इंग्लिश में सबसे पहले जो आए थे उनका नाम था विलियम हॉकिंस। कब आए? 1608 में जहांगीर के समय आए, लेकिन जहांगीर को ज्यादा मजा नहीं आया इनसे, तो थॉमस रो को भेजा गया। फिर मुसलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री बना और सूरत में बना। देखिए अब इसमें कंफ्यूजन है, पहले सूरत की पहले मुसलीपट्टनम, तो शुरू तो सूरत में हुआ था लेकिन फिर से मुसलीपट्टनम में शुरू हुआ और पहले जो फिनिश हुआ वो मुसलीपट्टनम हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मसूलीपट्टनम में जो है पहला फैक्ट्री बना। क्लियर है? चलिए फिर एक इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है वो है बैटल ऑफ प्लासी 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, 23 जून याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट लड़ाई 24 अक्टूबर, कहीं कहीं 22 अक्टूबर भी लिखा है, तो बैटल ऑफ बक्सर 1964, हेक्टर मुंड्रो और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंड्रो और इसमें थे सुजाउद्दौला, ठीक है, मीर काजिम और शाह आलम टू जो कि उस समय मुगल बादशाह थे। तो फाइनली जो है ये लोग जीत गए इसमें अंग्रेज और पूरा कैप्चर कर लिए। आखिरी में आए थे फ्रेंच। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट आदमी था वो है ड्यूप्ले, ड्यूप्ले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और ये पॉन्डीचेरी पे ज्यादा कैप्चर किए, यहाँ पे भी ये भी अपना सूरत और मसूलीपट्टनम में इस तरह से फैक्ट्री लगाए, जैसे अंग्रेज जो है सबसे पहले मसूलीपट्टनम फिर सूरत, तो इनका भी सबसे पहले मसूलीपट्टनम फिर सूरत। चले उसके बाद आप देखें ये कुछ लेटर मुगल किंग हैं, जैसे कि बहादुर शाह वन कब बने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद जहानदार शाह, फारूक शियार, रफी उद दर्जाद पहले, फिर दौला मोहम्मद इब्राहिम जो कि इनका नाम बाद में रोशन अख्तर इस तरह से बोला गया, फिर ये है आपके रंगीला, फिर अहमद शाह बहादुर, आलमगीर टू, शाहजहां टू, शाह आलम टू, बहादुर शाह जफर टू, फाइनली ये खत्म हो गया। चले तो अब ये सब हो गया आपका कहानी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, 20 सेकंड का टाइमर है, टाइमर के साथ साथ आपको आंसर देते जाना है। गुड इवनिंग सबको, बहुत बहुत गुड इवनिंग। हम देख लें कौन कौन लोग हैं जो आंसर देंगे। अच्छा सुहेल जो है, सुहेल आप सभी का क्लास में स्वागत है। ओके तो टाइम इज अप और आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पोर्तुगीज हैं जो सबसे पहले भारत आए, तो आप बोलेंगे वास्को डिगामा, लेकिन सही संस्थापक जो है जिन्होंने शक्ति की नींव रखी तो वो है अल्बुकर। अल्बुकर ही पोर्तुगीज थे जिन्होंने एक्चुअली में फाउंडेशन ले किया था भारत में। क्लियर हो गया है? तो आंसर्स आए हैं किसके सही, देखिए लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज पावर में वास्को डिगामा आंसर नहीं है, तो किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। आंसर देने के बाद लोगों का आंसर सही आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्तुगीज इन, गोवा किस साल पोर्तुगीज द्वारा कैप्चर किया गया। सारा सवाल एनसीईआरटी से ही सब पूछा जाएगा। टाइम शुरू होता है अब, जल्दी आंसर देना है। 20 सेकेंड, 16, 15, 14। अल्बुकर, यस अल्बुकर। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, गोवा कब कैप्चर हुआ है पोर्तुगीज द्वारा। टाइम इज ओवर। तो गोवा कैप्चर हुआ है 1510 में, ठीक है। तो अभी तक आप क्या पढ़े कि सबसे पहले वास्को डिगामा आए, कहाँ आए, कैलीकट में आए, उसके बाद कौन आया, अल्बुकर आया, और 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। तो आंसर आया है बहुत सारा गलत, लेकिन 1510 बोलने वाले हैं रजत एक हैं, पांडे जी हैं, ठीक है, पूजा है और जीत है, ओके गाइज, सनी है, बढ़िया। चलिए आप थ्योरी क्लास कब कराओगे, थ्योरी क्लास के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पेड कोर्स में। हाँ जी, अब देखिए फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मराठा कब फाइनली हारे थे, किस के समय में, वेलेस्ले, मिंटो, हेस्टिंग या कॉर्नवालिस, जल्दी सोचिए। टाइम इज अप, बताएगा आंसर। हाँ DSSSB में, बिल्कुल वहीं से सवाल आते हैं। तो देखिए टाइम कंप्लीट हो गया है और ये हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, तो इनके समय में मराठा जो है फाइनली हार गए थे, ठीक है। ये सवाल काफी बार पूछा गया और एक्चुअली ये सारा घुमा फिरा के DSSSB बहुत तरह का एग्जाम लेता है, टीचर्स और इंजीनियर सब चीज का, तो ये सारे DSSSB से ही सवाल उठा के आए हैं, मतलब रिलेटेड सवाल। चलें
अब देखिए ये सवाल को पहले आप पढ़ लीजिए। नहीं, बहुत सारे लोग थर्ड का आंसर गलत दे रहे हैं। हेस्टिंग आंसर है, हेस्टिंग। जीत का आंसर सही है, संदीप नागर जी का आंसर सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिए और टाइम शुरू होता है अब। इन बंगाल द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लोकेटेड एट। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर कहां पे है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। हां जी, तो बंगाल में, टाइम इज ओवर। बिल्कुल फोर्ट विलियम। इस बार बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, जैसे कमरान, रजत, ये सब सही आंसर दे रहे हैं। और देखिए एक और सवाल, ये फोर्ट विलियम जो बना था वो आईसीएस के ट्रेनिंग के लिए बना था। आईसीएस जो एग्जाम होता था उस समय, आईएएस का पहले नाम आईसीएस था, तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो लोग कम्पीट करते थे उनको इंडिया में ट्रेनिंग कलकत्ता के फोर्ट विलियम में दिया जाता था। क्या ये बंद हो गया था? बिल्कुल ये बंद हो गया था, फिर बाद में फिर से ये चालू हुआ। मैम यूपी में ये क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल, यूपी में तो बड़ा यार टफ टफ क्वेश्चन आया है। यूपी में कल 25 क्वेश्चन हमने देखा है, इस बार का जो यूपी एई हुआ है बहुत टफ सवाल आए हैं, तो ये सब तो पता ही होना चाहिए। अब देखिए 1757 में सिराज उद दौला को किसने हराया था? बड़ा आसान सा सवाल है, इसका सारे लोग आंसर देंगे जल्दी से। यस गाइस, 11, 10, 9, 8, जल्दी आंसर दीजिए। पास तो होगा यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या जवाब है, ये है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि सिराज उद दौला को कब हराए थे? ये 23 जून को मैच हुआ था, मैच नहीं वॉर हो गया था। और सिराज उद दौला को कौन, आज मेरा ना वो हो रहा है, समझ रहे हैं, फंबलिंग वाला। तो मीर जाफर जो है, मीर जाफर इनके ही मंत्री थे और इन्हीं को ये डिच कर दिए सिराज उद दौला को। और सिराज उद दौला बोले कि देखिए हम साउथ से अटैक करेंगे, मीर जाफर आप नॉर्थ से अटैक कीजिएगा, ब्रिटिशर्स को बीच में दबोच लेंगे। लेकिन मीर जाफर तो मिले हुए थे, ओमी चंद भी इनको धोखा दिया और बहुत लोग धोखेबाजी से सिराज उद दौला को डिफीट कर दिए। रॉबर्ट क्लाइव इनका नाम है। ऐसे तो बहुत सारा लड़ाई जो है रॉबर्ट क्लाइव जीते और इनको बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। यहाँ तक कि ये जो 1764 में जो लड़ाई हुआ बक्सर का, उसमें जीते तो आपके हेक्टर मुनरो, लेकिन जब साइन करना हुआ ट्रीटी तो इनको ही बुलाया गया, क्योंकि ये सामने वाले को बड़ा अच्छा फंसा लेते थे ट्रीटी साइन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन। अब नेपोलियन हम लोग कहाँ चले गए? फ्रांस में चले गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ है? 1498 में। ये हम क्या बोल रहे हैं, 1498 में नहीं हुआ है, कब हुआ है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1700 कब हुआ है, जल्दी बताइए। तो देखिए नेपोलियन को कौन बोला था कि आप भारत आइए और भारत में ब्रिटिशर्स को हराइए? 14 जुलाई, साल बताइए कब हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पलासी का 1757, कामरान बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेपोल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस साल हुआ है? 1789, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के बारे में एक और एक्सक्लूसिव बात बताएंगे आपको। नेपोलियन जो है, भारत का नेपोलियन वन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो कि नहीं कहना चाहिए। ये तो बीसी में थे, मतलब बहुत पहले, और ये एडी में थे। और टीपू सुल्तान को भारत का दूसरा नेपोलियन कहा जाता है, और टीपू सुल्तान ही नेपोलियन को बुलाए थे कि आप भारत में आकर ब्रिटिशर्स को हराइए। देखिए किसी को कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप कहानी सुनिए, आज आपको बहुत चीज पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड सिराज उद दौला नवाब ऑफ बंगाल एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। तो पूछा जा रहा है कि सिराज उद दौला जब खत्म हो गए, ये हार गए और ब्रिटिशर्स इनको हरा दिए, कौन हराए? रॉबर्ट क्लाइव हराए। तो उसके बाद कौन राजा बने थे, कौन नवाब बने थे? ओके गाइस, आंसर्स आ रहे हैं मुझे। तो ये देखिए मीर जाफर है, मीर जाफर उनको हराए इसीलिए थे। अब कहानी हम थोड़ा सुना देते हैं, क्या हुआ था कि एक अलीवर्दी खान थे, ठीक है, अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, एक का तो उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। अब एक है घसीटी बेगम, और एक जो बेटी थी उसका बेटा था सिराज उद दौला, और सिराज उद दौला को अली वर्दी खान बहुत मानते थे, और इनको ये बोले कि सिराज आप जो है वो ब्रिटिशर से सतर्क रहिएगा,
और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्ट बनाते थे। तो सिराजउद्दौला बोले कि फोर्ट नहीं बनाना है। और एक ऐसा समय आया जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है वो आप लोग बताइएगा। बहुत छोटे से जगह में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को जमा कर दिया गया और रात में जब रात भर सुबह गेट खोला गया तो बहुत सारे लोग इसमें से मर गए थे। ठीक है, तो इसमें से बहुत लोग मर गए थे और ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ आवाज उठाए और इंग्लैंड में भी सिराजउद्दौला के खिलाफ बहुत आवाज उठने लगी। उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी हुआ, यानी कि पलासी का युद्ध हुआ। यहाँ पे पलास का बड़ा पेड़ है बंगाल में, इसलिए पलासी का युद्ध कहते हैं इसको, जिसमें कि मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजउद्दौला को नवाब बनने के लिए और मीर जाफर नवाब बन गए। फिर मीर जाफर के भतीजे और दामाद दोनों मीर काजिम आए। ठीक है, मीर काजिम को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर काजिम बोले कि इस तरह से आप लोग बार बार हस्तक्षेप करिएगा तो हम नहीं काम कर पाएंगे, जिसके कारण वो कैपिटल पहले मुर्शिदाबाद था जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ेगा, और वो कैपिटल चेंज कर लिए मुंगेर जो कि अब बिहार में पड़ता है। तो मीर काजिम अपना कैपिटल तक चेंज कर लिए, लेकिन तो भी ब्रिटिशर्स इनको बहुत परेशान किए, जिसके कारण ये नवाब का गद्दी छोड़ दिए और वापस से मीर जाफर जो है नवाब बन गए। और मीर काजिम भाग के कहाँ गए, अवध। अवध में ये सुजाउद्दौला से बोले कि हमको आप शरण दीजिए और हमको बचाइए ये ब्रिटिशर्स से। तब पता चला कि खुद मुगल बादशाह जो है शाह आलम टू वो आए हुए हैं अवध। तो अवध में ये तीनों लोग मिल गए, अवध के जो नवाब हैं सुजाउद्दौला, मीर काजिम जो कि बंगाल के नवाब थे वो भाग के गए थे, और मुगल बादशाह शाह आलम टू। और एक्चुअली लड़ाई तो हुआ था अवध से, लेकिन क्योंकि शाह आलम टू भी उसमें इन्वॉल्व थे तो हेक्टर मुंड्रो जो है, इस बार कोई भी धोखाधड़ी वाला बात नहीं है, ये तीनों फोर्स एक तरफ और हेक्टर मुंड्रो अकेले एक तरफ, ये तीनों को हरा दिया। और हेक्टर मुंड्रो क्या बोले कि अब हमारा भारत जो है हमारा हो गया, क्योंकि हमारा भारत नहीं आपका भारत जो है हमारा हो गया, क्योंकि हम मुगल बादशाह को हरा दिए। और इसके बाद ही 1765 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ काड़ा साइन हुआ, दोनों अलग अलग लोगों से साइन हुआ। शाह आलम टू से साइन हुआ कि आप हमको दीवानी का राइट दीजिए, अपने पास निजामत रखिए, और उसके उसी के साथ साथ काड़ा साइन हुआ, काड़ा ही इलाहाबाद को भी कहते हैं, तो ये आपका सुजाउद्दौला के साथ साइन हुआ। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गाइस थोड़ा सा टफ लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन जब आप समझ जाइएगा ना सब कहानी एकदम बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, लैंड ऑफ बॉम्बे वॉज गिवन टू इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स एज अ दाउरी। तो चार्ल्स का शादी हुआ था, चार्ल्स का किससे हुआ था, जो कि दहेज के रूप में पूरा का पूरा बॉम्बे ही दे दिया गया। उसके बाद काया पलट हो गया ब्रिटिशर्स का, मतलब इन अ पॉजिटिव नोट। तो टाइम तो हो गया है, अब सुनिए, देखिए, तो ये डच गलत लिखा है, पोर्तुगीज होगा। ठीक है, तो पोर्तुगीज की रानी थी कैथरीन, राजकुमारी, जिनका शादी हो गया चार्ल्स से। आंसर पोर्तुगीज है। ठीक है, तो चार्ल्स से शादी हो गया और चार्ल्स को दाउड़ी में, दहेज में क्या मिल गया, पूरा का पूरा बॉम्बे, सिर्फ $10 प्रति महीना या प्रति साल कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा बॉम्बे मिल गया। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, यानी कि 1600 में, तो पूरा इंग्लैंड जो है वो कौन उसमें रूल करता था। चले, पिक्यूलियर सवाल नहीं है, आप एक बार तो आप अपना क्वेश्चन पेपर पलट के देखिए, यही सब सवाल पूछे जाते हैं बार बार, हर साल यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। टाइमर से दिक्कत हो रहा है क्या, टाइमर हटा दें, 7 का B लॉक कर दिया जाए, 7, अभी 9वां पे आ गए हम, आप 7वां पे हों प्रकाश। हाँ, तो टाइम तो हो गया है अप, देखिए टाइम अप हो गया, बोलते हैं ना टाइम्स अप, तो टाइम ऊपर चला गया। चलिए, तो ये नॉर्मैन्स हैं, नॉर्मैन जो है वो इंग्लैंड पे शासन करते थे जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। क्लियर है, तो इस समय नॉर्मैन शासन करते थे इंग्लैंड पे, याद रखिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, हमको याद है कि नॉर्मैन इसका जवाब है। क्लियर, अब देखिए, हैदर अली के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है गाइस, आंसर दीजिए, टाइम से दिक्कत हो रहा है। रोनाल्डो फैन क्लब, देखिए, तो
कौन सा सही है वो ये है कि ही वन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ही वॉज डिफीटेड एट पोर्टोनोवो, तो ये सब में से सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है। अब इसको थोड़ा समझा दिया जाए, देखिए हैदर अली का कहानी भी सुन लीजिए। हैदर अली पहले मैसूर के सिपाही थे, लेकिन अपनी काबिलियत से ये क्या बन गए, मैसूर के राजा बन गए, सुल्तान, और इनके बेटे थे टीपू सुल्तान, ठीक है। अब ही वन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ऑलमोस्ट तो इसमें होना चाहिए इनकरेक्ट, ठीक है। देखिए इसमें ना एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इज इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। ये पहला एंग्लो मैसूर वॉर जीते थे, उसके बाद इन्होंने एट पोर्टोनोवो ये इनको हराए थे, ही वॉज डिफीटेड बाई, तो पहला लड़ाई जो पोर्टोनोवो का लड़ाई था उसमें हैदर अली हारे थे, एक ही लड़ाई हारे, और इसी में इनकी मृत्यु हो गई 781 में, ठीक है। और ही वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, बिल्कुल ये मैन थे दृढ़ संकल्प के, ये भी बात सही है, किसी के बारे में गलत थोड़ी हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि निजाम और मराठा को ये बोले थे कि उनके साथ ही संधि करे, लेकिन ये लोग निजाम और मराठा, हम लोग का क्या गलती की है, हम लोग मैसूर यहाँ है, निजाम यहाँ है, मराठा यहाँ है, ठीक है, मराठा निजाम और मैसूर यहाँ पे तीनों मिल जाते तो ब्रिटिशर्स को हरा देते, लेकिन हम लोग सोचते थे कि अच्छा है इसको ब्रिटिशर्स हराएगा और हम इसके चीजों पे हमला कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ब्रिटिशर्स तो अपने घर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही तोड़ तोड़ के ब्रिटिशर्स जो है वो सबको हराया और फिर फाइनली पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। चले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उसमें, इनकरेक्ट पूछना चाहिए था, हम पूछना चाह रहे थे, इनकरेक्ट मिस हो गया, ऐसा ही हम बार बार मिस कर देते हैं, ठीक है। रोनाल्डो फैन क्लब, नो, फर्स्ट वॉर वॉज डेडलॉक, आई गेस डेडलॉक, मतलब यू कैन से कि ऑलमोस्ट जीत गए थे। सेकेंड वॉज डेडलॉक, जिसमें से फिर ये हार गए, थर्ड में भी हारे, और फिर फाइनली श्रीरंगम पटना में टीपू सुल्तान जो है वो हार गए थे। अब देखिए, द फर्स्ट द इंडियन टेक्सटाइल विच वर्ड यूज बाई डच इन अफ्रीकन स्लेव ट्रेड वर्ड, आप लोग जवाब मत दीजिए, यही सब फालतू गिरी कीजिए, तो हमको लग रहा है कि टाइमर से दिक्कत हो रहा है, पर देखते हैं टाइमर लगा के हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टाइमर चाहिए कि नहीं चाहिए, टाइम अप हो गया। तो देखिए यहां पे पूछा जा रहा था इंडियन टेक्सटाइल विच वर्ड यूज्ड बाय द डच इन अफ्रीकन स्लेव ट्रेड, तो कौन सा टेक्सटाइल यूज होता था, प्लेन डाइड टेक्स, डाइड टेक्सटाइल, तो सादे रंग के वस्त्र जो हैं वो यूज होते थे, यूज बाय डच, वो जो अफ्रीका में स्लेव कर रहे हैं उसके द्वारा, चाहिए टाइमर, है ना, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो पता चल गया ना कि सादे रंग के वस्त्र जो थे उसको यूज किया जा रहा है। अब देखिए आज आप सबको जो है तिलकुट और दही चूड़ा खा के एकदम पूरा खुश हो गए होंगे, कितने लोग जो है वो घर से तिलकुट खा के आए हैं, जीएस में फर्क नहीं पड़ता, सही बात है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, मैथ्स में फर्क पड़ता है, तो जितने भी लोग तिलकुट खाएं, दही चूड़ा खाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए अब आपका एग्जाम है 17 अप्रैल को आपका यूपीएई का एग्जाम है, 20 फरवरी को है आपका ईएससी का एग्जाम, अगर कोई बिहार का फॉर्म भरा है तो मार्च में 26-27 मार्च के करीब है आपका, डायरेक्ट नहीं बता रहे लेकिन इसी के आसपास है, ठीक है, बीपीएससी एई का एग्जाम, ऐसे तो बीपीएससी को खुद ही नहीं पता चलता है कि एग्जाम कब लेना है, तो हमको क्या पता चलेगा, तो ये सब एग्जाम है आपका, है ना। अब ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और अगले साल आपका एसएससी जेई एग्जाम होगा 2023 में, तो ये सब एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे मैम बहुत टाइम है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, अगर सिलेबस को अच्छे से सजाया नहीं गया, और मानिए मेरा बात, जो टॉपिक आप सोचते हैं कि बड़ा इजी है इसको बाद में करेंगे, उससे ज्यादा टफ सवाल आ रहा है, जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो हम बता रहे हैं, तो जैसे कि बहुत लोगों को फ्लूड बड़ा ईजी लगता है, लगता है अरे इसको क्या ही करना है, तो 11th में भी पढ़े थे, स्ट्रेस स्ट्रेन बल्क मॉड्यूलस या मॉड्यूलस तुरंत से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको फिर भी टाइम लगेगा उसमें, हम तो बहुत सारा फॉर्मूला भी सीख लिए हैं, जैसे कि 1-2μ है ना इंटू के इज इक्वल टू ई,
ये सब फॉर्मूला है कुछ सिविल इंजीनियरिंग का, ये फ्लूड से बल्क मॉडल है, सही है ठीक है। तो ये सब जो है आपको टाइम लगेगा इसको कवर करने में, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, जो चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, खासकर अगर आपको जीएस बहुत टफ लग रहा है जो कि बहुत ईजी है, बस थोड़ा बहुत कहानी एक राउंड सुन लीजिएगा ना तो ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सब हम लोग आपको एक ही जगह कवर करवा देना चाह रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आपका अगर सिर्फ सिलेबस कवर हो। सिविल इंजीनियरिंग तो मेरा बात मानिए, हम खुद एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अब इतना कुछ बता रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन होगा ही मेरा सिविल इंजीनियरिंग से। सिर्फ फॉर्मूला जो स्टूडेंट अच्छे से सारा फॉर्मूला बुक जो आता है उसको याद कर ले और उसको अप्लाई करना सीख जाए कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो उसका एग्जाम ईजिली निकल जाएगा। मतलब अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है एवरेज, मतलब जिसको 60% 10th 12th इंजीनियरिंग में आया है, तो उसको सरकारी नौकरी ना लगे ये भी बड़ा बात है। सिविल में खासकर इतना आराम से आप दे सकते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखते होंगे हर चीज में सिविल ही का कट ऑफ सबसे कम आता है, सीट भी ज्यादा रहता है। तो ये सब चीज जो है हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखे हुए हैं, और आज अगर आप ये कोर्स लेते हैं डबल वैलिडिटी का तो आपको 77% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी मिलेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि महापैक, जिस भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं महापैक ले लीजिए, Y332 कोड है, इसी को इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। तो ये देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, इसमें आपका जो 10-12 सब्जेक्ट्स है ना, सॉयल सॉलिड सब आपको कवर करवा दिया जाएगा। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल में भी आपका स्ट्रेटजीज कवर करवा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, रोटेशनल मैकेनिक्स और सब जितना मैकेनिक्स है सब इसमें कवर करवा दिया जाएगा। तो ये सब कोर्सेज जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। 20 फरवरी को अगर आपको एग्जाम देना है आपका ESE का, तो वो भी आपको महापैक में मिल जाएगा। UPAE का आपका एग्जाम है 17 अप्रैल को, ये मिल जाएगा, और बीच में आपका मार्च में है बिहार का एग्जाम, तो वो तो सिर्फ आपका फॉर्मूला और सिलेबस, मतलब बिहार का एग्जाम ऐसा होता है जैसे सिलेबस में लिखा है ना पॉइंट नंबर 1, तो इसी में व्हाट व्हाई हाउ लगा दीजिए, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। BPSC का यही ट्रेंड है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आप लोग आज ही इसका इस्तेमाल कर लीजिए। डबल वैलिडिटी Y332 कोड है, इसको यूज कीजिए और फिर आप जल्दी से कोर्स में आ जाइए। ये देखिए टेस्ट सीरीज भी, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा कितना पानी में है, तो आप टेस्ट सीरीज भी बना सकते हैं, लेकिन महापैक के साथ, ये जो आपका महापैक है इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा सब चीज का, और ये ई बुक जितना दिख रहा है आपको ये सब ई बुक भी मिल जाएगा, ये सब टोटल चीज आपको महापैक में मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा आपको DSSB, DSSB का अभी आ गया है फॉर्म, आ गया है फॉर्म, भरने का टाइम शुरू हो गया, भर दीजिएगा, लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा। तो दिल्ली में AE चाहे JE दोनों बनने का बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना पैसा नहीं लगेगा आपको, 77% का इसमें डिस्काउंट लगेगा। एक सीक्रेट ये है कि अगर आप अड्डा के ऐप को इंस्टॉल करते हैं, अड्डा के ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको 78% तक का डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप क्वाइन यूज कीजिएगा। तो जितना ये सब हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, सब आपको तुरंत याद हो जाएगा और आपको लगेगा मैम बड़ा ईजी सवाल है, ठीक है। तो चलिए तब तक आप ये बताइए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह और किसके द्वारा, तो अमृतसर जो है महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच साइन हुआ था। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन टेक कैसे करें, वही तो हम करवा रहे हैं नॉन टेक, है ना। टेस्ट सीरीज एक बार आप जाके देखिए ऐप में पता चलेगा। मैम क्वेश्चन तो लंबे समय तक याद रहेंगे, बार बार डिवाइस कीजिए, बार बार डिवाइस कीजिए, हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा या ग्रुप में ऐड हो जाइए ना, तो हम पता है आपको सिविल का एक वो दे देंगे फॉर्मूला बुक मेरे पास है, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें आपको फॉर्मूला बुक मिल जाएगा। चलिए तो इसका देखिए जवाब क्या है, ये है लॉर्ड मिंटो। अब एक याद रखिए, सुकर चकिया मिसल, ठीक है। तो क्या हुआ था, महान सिंह थे, महान सिंह कौन थे, सुकर चकिया मिसल के चीफ थे, ठीक है। और ऐसे करते करते बहुत सारा मिसल था, 12 मिसल था सिखों का, सबको ये यूनाइट किए। फिर रंजीत सिंह महान सिंह के पुत्र थे, महान सिंह के पुत्र थे रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के, और ये सबको यूनाइट करके एक पूरा पंजाब बना दिए, जिसमें से इनका कैपिटल था लाहौर, लेकिन इनका ट्रेडिशनल यानी कि मतलब पूजा पाठ वाला कैपिटल था अमृतसर, ठीक है। तो लाहौर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था और इनका रिलीजियस कैपिटल था अमृतसर। तो लॉर्ड मिंटो के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किए थे राजा
महाराजा रणजीत सिंह, और अभी तक इनका जो है गुरुद्वारा ये है आपका लाहौर में। बहुत सारा अगर आप पाकिस्तानी जैसा हम देखते हैं कुछ ना कुछ मूवी सीरियल सब तो देखिएगा, तो उसमें बोला जाएगा कि रणजीत सिंह जी की दरगाह के पास है, ये सब ऐसे बोला जाता है, तो उनको वहां पे भी बहुत माना जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम अप हो गया। जगदीश जी देखिए आपका हम इधर कमेंट पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। D SSS इस बार अपना सिलेबस बदल दिया है, ESC का जो सिलेबस है वही D SSS सिलेबस डाला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉन टेक का भी सिलेबस D SSS बहुत लंबा चौड़ा डाला है, मतलब इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ है, तो हम है ना उसके लिए कवर करवाने के लिए। पर आप लोग रेगुलर तो बने रहिए। देखिए हम आपको टाइम बताते हैं, रोज सुबह 8 बजे आपको आना है इसी चैनल पे अड्डा इंजीनियर्स पे, तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। इतना तो गारंटी देते हैं कि जब भी आपका परीक्षा होगा 6 महीना का करंट अफेयर पूछेगा, क्या पूछ लेगा, और करंट अफेयर में हम इतना सारा क्वेश्चन करा देते हैं कि आपको ये पूरा याद, अगर आप मतलब रिवाइज भी कर लीजिएगा ना, जैसे आप कल सैटरडे है तो महाडिविजन है, तो आपका पूरा वीक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बाकी ये सब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बचा तो उसके लिए तो हम 2 बजे आते ही हैं, और अगर आपको और हेल्प चाहिए जो कि हम पूरा चाहते हैं कि सिलेबस आपका कवर हो जाए, तो आप पेड कोर्स में आ जाइए, तो हम आपको पूरा करंट अफेयर्स और GK GS पढ़ा देंगे, साथ ही साथ आपका टेक भी हो जाएगा। ठीक है चले। एंग्लो बर्मीज वॉर जो है इसके बीच में ट्रीटी ऑफ यांगदाबू हुआ था, ठीक है, और अगर सुगौली का ट्रीटी पूछा जाएगा, सुगौली का, तो ये एंग्लो नेपाल के साथ हुआ था, यही सब पूछा जाता है। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फॉट अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन सा लड़ाई हुआ था। ओम प्रकाश जी, अब एग्जाम कब होगा बाबू, ये तो हम कैसे बताएं, है ना, हम तो एग्जाम लेते नहीं है, जैसे पता चलेगा हम भी आपको बता देंगे, आपको भी वहीं से पता चलेगा जहां से हमको पता चलेगा। अच्छा टेलीग्राम का लिंक जो है वो ये सर्च कीजिए ना, करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे, और एक बार हमको पर्सनली याद करा दीजिएगा कि हमको बुक देना है वो वाला, तो आपको दे देंगे। ठीक है चले, तो देखिए ये सब का हम आपको युद्ध का टाइम लिखे हैं। अब अंबूर का क्या है, अंबूर आपका मुजफ्फर जंग के साथ हुआ था, मुजफ्फर जंग कहाँ के थे, ये अवध के थे। ठीक है तो ये ड्यूप्ले जो है मुजफ्फर जंग के साथ, ये नहीं सॉरी अवध बोल दिया। देखिए नीच साउथ में क्या हुआ, दो कहानी हुआ था, एक आपका कहानी है कर्नाटक का और एक आपका कहानी है हैदराबाद का। अब हैदराबाद में क्या हुआ, मुजफ्फर जंग और नाजिर जंग के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे नाजिर जंग और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, और चंदा साहेब के बीच में लड़ाई हुआ और ये जो वहां के राजा थे उनके बीच में लड़ाई हुआ, तो चंदा साहेब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे और वहां के जो राजा थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, इसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सब जितना बीच का लड़ाई हुआ वही हुआ बैटल ऑफ अंबर। ठीक है बाकी ये सब का साल आपको तो पता होना चाहिए, 1764 है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 है, वांडी वॉश वो लड़ाई है जिसमें फाइनली थर्ड, देखिए एंग्लो फ्रेंच में 3 लड़ाई हुआ है, तो जो थर्ड लड़ाई हुआ है वही बैटल ऑफ वांडी वॉश है जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था, और वांडी वॉश में पेरिस, ठीक है, वांडी वॉश में जो है फ्रेंच को फाइनली वॉश कर दिया गया इंडिया के भूमि से और फ्रेंच वापस चले गए थे। ठीक है इसको याद रखिएगा, वांडी वॉश का साल आप बताइए कब फ्रेंच जो है वो वापस चले गए। क्लियर है चले, तो ये अंबूर की लड़ाई है, सबसे पहले ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यही रंजीत सिंह और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बीच का क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर बताइए। ओम प्रकाश जी का आंसर आ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से लाए मैम, ऊपर से निकल रहे हैं, ऊपर से क्यों निकलेंगे ये ऐसे के क्वेश्चंस, टेक्निकल के ऊपर से निकल रहे हैं, नॉन टेक के ऊपर से निकल रहे हैं, ये बताइए। अच्छा चलिए कल हम आपको ESC के क्वेश्चन बनवाते हैं, ऐसे कैसे ऊपर से निकल जाएंगे, 20 फरवरी को ESC का एग्जाम है, PT तो निकालिए कम से कम, PT निकल जाएगा तो फिर बाकी आपका AE जितना है ना सब हो जाएगा। जो स्टूडेंट का 20 फरवरी को PT निकल जाता है ESC का, उस समझ लीजिए कि बिहार UP जितना भी AE का परीक्षा है उसका निकल जाएगा। चले ठीक है, तो
बिल्कुल चार्ल्स मेटकाफ जो हैं, ये देखिए मेटकाफ को पता है क्या बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो प्रेस में बहुत सारा चीज इजी मेटकाफ ही किए थे, जो कि लिट्टन बहुत खराब थे प्रेस के लिए और इंडिया के लिए। लिट्टन के जस्ट अपोजिट रिपन थे, बहुत अच्छे थे, और लिबरेटर ऑफ प्रेस भी मेटकाफ को कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज सेंट टू लाहौर टू नेगोशिएट। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को नेगोशिएट करने के लिए मेटकाफ को भेजा गया था, लेकिन साइन किसके साथ हुआ था, मिंटो के साथ साइन। ठीक है, चले अब अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सुनिए, आंसर तो सुनिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, साइन और नेगोशिएट में अंतर है ना, इतना बात हम सिविल का कर रहे हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं सिविल के हैं कि मैं क्या। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय थ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। तो देखिए ये बख्तियार खिलजी हैं, है ना, सेना डायनेस्टी नहीं होगा, ये सेन डायनेस्टी होगा। तो बख्तियार खिलजी हैं, यही आए थे और पूरा एकदम तहस नहस करके चले गए। खैर अब देखिए, द इंग्लिश गवर्नर इन इंडिया हु वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब वाज। तो कौन से इंग्लिश गवर्नर है भारत के जो कि औरंगजेब द्वारा एक्सपेल किए गए थे, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है सवाल, है ना। हाँ जी बिल्कुल, आप दे सकते हैं DSSB प्रशांत। तो ये सर जॉर्ज जॉन चाइल्ड है, मतलब ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने वाले थे, औरंगजेब इन पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब जब तक थे तब तक ब्रिटिश का मजाल नहीं था कि वो कुछ कर सके, लेकिन उनके मृत्यु के बाद जब ये जो खाली हो गया उनका सत्ता, उसके बाद से इनका कहानी शुरू हो गया। चले, हु वॉज फ्रांसिसो डी अल्मेडा। तो ये बताइए ये अल्मेडा कौन है, सबसे पहले वास्को डिगामा आए, फिर एल्बुकर्क आए, फिर अल्मेडा आए थे, अल्मेडा कौन है ये बताइए। तो ये वॉइसरॉय है पोर्टुगीज के, ठीक है, पोर्टुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया जो है ये अल्मेडा है। क्लियर। द मेन एक्सपोर्टर फ्रॉम बंगाल, ये देखिए बंगाल से ज्यादातर चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती थी, मेन एक्सपोर्ट्स, ये बंगाल से क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ये आपको देख रहा है बिग बॉस का आंख कि आप टाइम पे आंसर दे रहे हैं कि नहीं। तो ये इंडिगो है ना, इंडिगो बंगाल बिहार से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी। सॉल्ट पेटर ये सब तो साउथ से किया जाता था, ये सिल्क कॉटन ये सब साउथ का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब चार्नॉक के बारे में। जॉब चार्नॉक जो है वो कलकत्ता का स्थापना किए, कौन तीन जगह को मिला के वो कलकत्ता का स्थापना किए। बहुत सही, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए तीन गांव था, सूती नाता, काली काता और गोविंदपुरा, इन तीनों को मिलाकर ये क्या किए, जॉब चार्नॉक कलकत्ता की स्थापना किए थे। ठीक है, चले, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, जल्दी से आंसर बताइए। कल भी हम टाइमर डालेंगे, देखिए अगर आप लोग आज तक जनवरी महीना का बस हम बात कर रहे हैं, जनवरी का 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, कल आप सुबह 8 बजे उठने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और इस क्लास में आ जाएगा। ये जो टाइमर है ना, क्या बोलते थे उसको, अमिताभ बच्चन, टुकटुकी देवी और इस सब तरह का जो भी है, तो ये जो टाइमर है ये रहेगा और आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, लेकिन एकदम स्पीड में, इस तरह से नहीं, आराम आराम से नहीं, स्पीड में। अब देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा में यही है कि दोनों साइड में किसी का विजय नहीं हुआ था। फिर आपसे पूछा जा रहा है विथ विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड ब्रिटिश इंडिया कम into contact after the grant of Diwan in year 1765। हाँ डुगडुगी, ठीक, 2 वीक्स, 2 वीक का, हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए खांसी है, ठीक है, खांसी जो है, खांसी तो गारो खांसी जानती है जो होता है, तो विथ विच वन अमंग द माउंटेन्स
ट्राइब डिड ब्रिटिश केम टू कॉन्टैक्ट, मतलब बोला जा रहा है कि भाई पहाड़ चढ़ने गया था अंग्रेज तो सबसे पहले किसके कॉन्टैक्ट में आया, तो मेघालय के खासी ट्राइब के कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, गोल्डन फरमान, फरमान डच को जो दिया, ये कौन कहाँ के लोगों से मिला? ये पगोडा जो होते हैं, ये गोल्डा गोल्ड का सोना का छोटा छोटा मोहरा जो होता है वही होता है। ठीक है, तो ये बताइए कहाँ के लोगों को गोल्डन फरमान जो है ये दिया गया था, मतलब ये लोग जो है वो डच को दिए। तो ये गोलकुंडा में, ये पगोडास जितने हैं छोटे छोटे सोने के मोहरा जो होते हैं ये गोलकुंडा से निकलते थे। ठीक है, विथ विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर टीपू सुल्तान इन इंडिया, नेपोलियन बोनापार्टे इन यूरोप एंड इवेंचुअली बिकेम द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, तो कौन से ऐसे हैं जो कि टीपू सुल्तान को हरा कर और नेपोलियन को हरा कर वेलिंगटन की ड्यूक बन गए? तो ये है रिचर्ड वेलेस्ले, ये टीपू सुल्तान को हराए भारत में, नेपोलियन को हराए यूरोप में, और नेपोलियन का आप जानते हैं 1815 में वाटरलू में इनका निधन हो गया, और फिर रिचर्ड वेलेस्ले क्या बन गए? वेलिंगटन के ड्यूक बन गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये सवाल जो है इसका जवाब आप लोग हमको होमवर्क में दीजिएगा, और कल देखिए अगर थोड़ा सा टाइम आप लोग हमको दे दीजिएगा, मतलब कि हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे हैं, हम बस 1 घंटा 40 मिनट मांग रहे हैं, तो हम इतना गारंटी कर रहे हैं कि जितना भी आपका 20 क्वेश्चन आता है DSSSB में, खाली YouTube का गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 तो बना ही लीजिएगा, और अगर आप पेड में आ जाते हैं तो 20 में हम 20 का गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और पेड में तो खैर आपका टेक्निकल पूरा ही कवर हो जाता है, बाकी यूट्यूब का हमको उतना नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको टाइम कब देना है, रोज सुबह 8 से 9 आपको आना है, जहाँ पे आपका करंट अफेयर्स इतना कवर हम कर देंगे कि DSSSB में, मतलब करंट अफेयर्स का हम पेड भी नहीं कह रहे, DSSSB में एक भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपका करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाया गया हो। और बाकी आपका जो स्टैटिक GK है उसके लिए आपको आना है 2 बजे, क्योंकि 40 मिनट का क्लास होता है, ज़्यादा नहीं, तो 40 मिनट का ये क्लास है, यहाँ पे आपको आना है, DSSSB का आपका GK कंप्लीट हो जाएगा, ESC की UPAE ये सब जितना भी आपका स्टार्टिंग GK ये सब यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि आज डबल वैलिडिटी ऑफर है, अगर आप महापैक ले लेते हैं, देखिए ज़्यादा कोई बड़ा ये इशू नहीं है, 2000 का मान लीजिए महापैक है और 365 दिन के लिए आपके पास महापैक है, तो मेरा मैथ्स तो आप लोग से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन में आपको कितना रुपये लगेगा, है ना, तो जितना का आप बिस्किट उस्किट खा जाते होंगे तो उतना में आपको मिल जाएगा महापैक। आज तो 2000 का सबके घर में तिलकुट ही आया होगा, तो इसीलिए आप जाइए इस महापैक पे चले जाइए, Y332 कोड यूज कीजिए और इसको परचेज कर लीजिए, ताकि कम से कम अब जब भी परीक्षा हो, क्योंकि कोविड में देख लीजिए अब एक भी एग्जाम होगा और आपका अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो घर वाला परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं, तो इसीलिए जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस कीजिए। मेरा तो यही सजेशन होगा, एज अ एल्डर सिस्टर आप बोल लीजिए, चाहे टीचर बोल लीजिए, चाहे स्टूडेंट बोल लीजिए, तो 20 फरवरी को UPSC ESC का एग्जाम ले रहा है सब स्टूडेंट, जो भी जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा का बात अभी हम नहीं कर रहे, तो जो बीटेक किए हुए हैं वो ये कोशिश कीजिए कि आप इतना तैयारी कीजिए, इतना अच्छा से तैयारी कीजिए कि इसका आप खाली PT निकालने का टारगेट रखिए, समझे, PT निकाल लीजिए। तब क्या फायदा होगा कि जितना भी आपका स्टेट का एग्जाम है ना, चाहे वो कंसेप्चुअल पूछे चाहे वो रटने वाला पूछे, यही होता है ना, कभी रट के जाते हैं तो कंसेप्चुअल पूछ लेता है, कभी पढ़ के जाते हैं तो रटने वाला पूछ लेता है, तो आपका जितना स्टेट AE का एग्जाम है वो आपका निकल जाएगा अगर आप 20 फरवरी पे PT निकालने पे फोकस करते हैं। PT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल स्ट्रांग करना पड़ेगा और नॉन टेक को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नॉन टेक का भी नंबर जुड़ाता है उसमें, तो इसके लिए आप महापैक पे आइए, हम लोग आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताते हैं, और ये बड़ा कम पैसे में ये महापैक आपको मिल जाएगा, Y332 है, और इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट एक रिजल्ट के लिए इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, फॉर्म ही इतना का आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि यूपी का AE जो है, UPSC ESC AE, ये आपका 17 अप्रैल को है, तो जब जो स्टूडेंट 20 फरवरी को PT निकाल सकता है तो उसका टेक्निकल तो पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर उसी को थोड़ा ब्रशअप करके, थोड़ा फॉर्मूला याद करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 17 अप्रैल में ज़्यादा स्कोर कर लें, क्योंकि निकालने से मतलब नहीं है, फिर इंटरव्यू भी है,
तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, यही सब स्ट्रैटेजी है। जो जेई का देना चाहते हैं तो DSSSB में, जेई तो हम आपको ऐसे करा देंगे, ठीक है, तो वो आप बस, लेकिन एक ही चीज आपसे एक्सपेक्टेशन ये है, कंटिन्यूटी, रेगुलर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, हम एक दिन क्लास नहीं आते हैं तो आप लोग बोलते हैं मैडम आज क्लास नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ही तो रेगुलर बनिए और कल सुबह आइए 8 बजे पहले, 8 बजे आके ये जो 14 दिन का जो छूटा हुआ है करंट अफेयर्स, इसको हम लोग 100 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू दिस सेशन के लिए, और इसका आंसर देखिए दे दीजिएगा ये 20 सेकंड के अंदर, ठीक है, थैंक यू।